अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन योर साइंस बुक्स एंड ओपन चैप्टर नंबर टू, यूनिट नंबर टू। यूनिट नंबर टू इज़ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ लिविंग थिंग्स। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो यूनिट नंबर टू है वो है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, के लिविंग थिंग्स के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और लिविंग थिंग्स के क्या क्या काम है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक नंबर वन है हमारे पास, इसमें हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, दोज थिंग्स विच कैन मूव पोजेस द पावर ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स। वो तमाम चीज़ें जो मूव करती हैं, हरकत करती हैं, उनके पास ग्रोथ पैदा होने की पावर है। एंड रिप्रोड्यूस ओन काइंड आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स, और अपनी ही काइंड को जो है वो दोबारा पैदा करती हैं, उन्हें हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, वेयर एज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कहते हैं लिविंग थिंग्स में हमारे पास आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड खुद नहीं बनाते, जबकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वन ऑन अर्थ नीड सम बेसिक थिंग्स टू सर्वाइव। हर ऑर्गेनिज्म को एक बेसिक थिंग चाहिए, बुनियादी चीज़ चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। देयर आर फाइव बेसिक आइटम्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड, और यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिक आइटम्स हैं जो एक जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। ये हैं हमारे पास सनलाइट, वाटर, एयर, फूड, हैबिटेट विद राइट टेम्परेचर। इसमें हमारे पास आता है सूरज की रोशनी, पानी, हवा, खुराक और वो जगह जहाँ पे एक जानदार चीज़ रहती है उसका टेम्परेचर, उसकी हरारत सही होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर वन हमारे पास आता है सनलाइट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक डायरेक्ट जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। दिस प्रोवाइड्स हीट टू ऑल लिविंग बीइंग्स, और इसकी मदद से जो है सन की मदद से हमें क्या मिलती है, हीट, हरारत मिलती है। लाइट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, और जो लाइट है वो हम यूज़ प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस में टू मेक देयर फूड। अब फोटोसिंथेसिस क्या है प्लांट्स में, कि उससे हम जो है फूड बनता है प्लांट में उस प्रोसेस से। एनिमल्स यूज़ सनलाइट टू कीप देयर बॉडीज़ वार्म एंड टू सर्च देयर फूड। एनिमल्स जो हैं वो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी बॉडीज़ को गर्म रख सकें और अपने फूड को तलाश कर सकें। वाटर, वाटर इज़ द मीडियम इन विच लिविंग सेल्स वर्क। वाटर वो मीडियम है जिसमें लिविंग सेल्स जो हैं वो काम करते हैं। वाटर आल्सो प्रोवाइड लिविंग एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर हमें जो है वो ज़िंदा रहने के लिए एक माहौल देता है प्लांट्स और एनिमल्स को। एयर, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एयर हमारे पास मिक्सचर है डिफरेंट गैसेज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेज आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दो इंपॉर्टेंट गैसेज होती हैं हमारे पास, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। विदाउट दीज गैसेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। इन गैसेज के बगैर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स ज़िंदा नहीं रह सकते। एनिमल्स विल डाई विदाउट ऑक्सीजन एंड प्लांट्स विल डाई विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर मर जाएंगे और कार्बन, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। फूड, लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर फंक्शन। जानदार चीज़ों को एनर्जी चाहिए, कुव्वत चाहिए काम करने के लिए। द लिविंग थिंग्स गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स जो हैं, जानदार चीज़ें जो हैं वो खाना खा के जो है ये ताकत हासिल करते हैं। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड हमें हेल्प करता है बड़ा होने में। रिप्रोड्यूस, वॉक और वर्क, काम करने में और वर्क करने में। इसके अलावा हैबिटेट एंड टेम्परेचर। एवरी थिंग लिविंग थिंग नीड्स आइडियल टेम्परेचर एंड हैबिटेट। हर जानदार चीज़ को एक मिसाली हरारत चाहिए और जो है वो एक हैबिटेट चाहिए। हैबिटेट क्या है, वो जगह जहाँ पे जानदार रहते हैं उसका इर्द गिर्द जो है वो हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट इज़ द लिविंग प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लाइक टू लिव। हैबिटेट वो जगह जहाँ पे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या जानदार चीज़ रहती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है ये हमें डायग्राम बताई गई है। फोर्सेस फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स, फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स में नंबर वन पे हमारे पास आता है सनलाइट। सनलाइट के बाद था हमारे पास वाटर, वाटर के बाद आएगा फूड और फिर वो जगह जहाँ पे एक एनिमल रहता है। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं ज़िंदा चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए।